हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं टू कलर से आपको बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आप इसे चकोर शेप में भी बोल सकते हो और राउंड शेप में भी, ये दोनों की लुक आपको देगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 7 नंबर की नीडल्स का मैंने यूज़ किया है और ये 2 कलर मैं इसमें लगाऊँगी। आप इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए, इतनी चौड़ी चौड़ी फ्रेंड्स मैंने इसकी चुन्नी की पट्टियाँ बनाई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक नोट लगाएंगे। सबसे सिंपल तरीके के फंदे मैं आपको बताऊंगी, जो बिगनर्स भी आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए, नोट लगाने के बाद एक फंदा हमारा नोट से हो गया। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 27 फंदे डाल दूँगी। ये देखिए, 27 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो ये हमारी बेसिक रो है। इसको देखिए फ्रेंड्स, हम बिल्कुल ही आराम से बनाएंगे, क्योंकि ये फंदे जब इस तरीके से डालते हैं तो फंदे के बीच में हमारा गैप आ जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा लूज नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसे आराम से, और जल्दबाजी में भी नहीं बनाना है। ये देखिए, ऐसे आराम से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के दूसरी नीडल में उतार लेंगे। तो इस पूरी रो को मैं इसी तरीके से बनाऊँ। ये देखिए, पूरी रो मैंने उतार ली है, जिससे नोट लगाई थी वो फंदा भी बना लिया है। इस साइड से भी देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड बनेगी और इसको भी हम इसी के अंदर लपेट लेंगे। और इस साइड से भी इस रो को मैं इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ऊपर तक मैं इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाऊँगी। ये देखिए, ये हमारे फ्रेंड्स सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है, नहीं सॉरी, ये उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। दोनों साइड से एक जैसा है दिखाई देने में। अब देखिए, आगे से हम यहाँ पे सिंपल सिंपल बनाएंगे और पीछे मैं इसमें फंदे छोड़ना स्टार्ट करूँगी। और जब भी फ्रेंड्स आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो इसमें आप ज्वाइंट कैसे लगाओगे वो मैं आपको अभी बताऊँगी। ये देखिए, मेरी पट्टी इतनी छोटी हो गई है। तो जैसे ही आपकी पट्टी इतनी छोटी हो, हम इसमें दूसरी पट्टी लेंगे और इसमें ऐसे ऐसे रख के और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे आप थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा इसको, जब तक हमारा जॉइंट अंदर ना चला जाए। जब भी हम साड़ी और चुन्नी से बनाते हैं तो हम इस तरीके से ही इसमें जॉइंट लगा लेते हैं। अब देखिए, पूरी रो हमने उतार ली है, लास्ट में 3 फंदे मैं इसमें छोड़ दूँगी। फंदे हम इसमें बढ़ाएंगे डिजाइन में, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे, आगे चल के बढ़ाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये देखिए, 1, 2, 3 फंदे छोड़ दिए और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। फर्स्ट वाला उतार लेंगे और ये पूरी रो में उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए, सीधी साइड से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से मैं इसमें एक सेकेंड कलर और लगाऊँगी। देखिए, इसकी आप ऐसे इसको टाइट कर लीजिए, इसको हम इसी के अंदर ले लेंगे। ये देखिए, दूसरा कलर हमने इसमें लगा लिया है और ये पूरी रो में इसी तरीके से बनाऊंगी। और लास्ट में 3 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। जब भी आप कलर लगाओगे तो आप बैक साइड से ही कलर लगाइएगा। ये देखिए, 3 हमने पहले छोड़े थे, 3 हमने इस बार छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इस रो को मैं इसी तरीके से, देखिए 2 रो मैंने उतार ली हैं, इस कलर की 2 रो मैं और उतारूंगी। और इस वाले फंदे को देखिए फ्रेंड्स, हम इस वाले सॉरी पट्टी को हम ऐसे ऊपर ले आएंगे। ये देखिए,
ये हमारी इस कलर की तीसरी रो है। एक कलर से हमने इसमें चार चार रो बनाई है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इसी तरीके से फिर हम ये कलर चेंज करते हुए मैं इसकी हाफ गली बनाकर कंप्लीट कर लूँगी और पीछे हम इसी तरीके से फंदे छोड़ देंगे। तीन फंदे हमने फिर से छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये पूरी रो में कंप्लीट, ये देखिए इस तरीके से हमारी दो लाइन बन जाएंगी, दो हमारे नीचे बनी हुई हैं। फिर से मैं ये दूसरा कलर अपना इसमें लगा लूँगी। तो आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। हाफ कली हम इसी तरीके से बनाएंगे। एक कलर की हम चार रो बनाएंगे। अब देखिए इस बार फिर से मैं तीन फंदे पीछे ये वाले छोड़ दूंगी। तीन तीन फंदे छोड़ते हुए हम सारे फंदे छोड़ देंगे और चार चार रो के बाद हम दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। तो मैं इसको हाफ कली बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए तीन तीन करके मैंने सारे फंदे छोड़ दिए हैं और इस तरह से हमारी इसकी लुक आई है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसकी एक एक कलर की चार चार लाइन हमने बनाई है। तो लास्ट में हमारे ये तीन फंदे हैं, इनको हम एक बार और बना लेंगे। वापस हमने तीन फंदे बना दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब तक हमने तीन तीन फंदे इसमें छोड़े थे, अब इसमें हम तीन तीन फंदे ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए और फिर से देखिए हमारे ये फंदे हैं आगे, तो हम ये वाला कलर लगाएंगे। इसको आप ऐसे टाइट कर लीजिएगा। ये देखिए तीन हमने बना लिए, तीन हम आगे से ऐड करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको गैप लगे तो ऐसे एक फंदा उठाइए बीच में से और ऐसे दो का एक कर दीजिए और ये दो हम ये बना लेंगे। तीन फंदे हमने इसमें ऐड कर लिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। बहुत ही सुंदर हमारी लाइन से लाइन मिलेगी डिजाइन की। इसी तरीके से आपने बनाना है। दो रो हमने उतार ली इस कलर की, ये देखिए दो रो हम इस लाइन से हमारी ये लाइन मिल गई। अब इस लाइन से हम अपनी लाइन मिलाएंगे, एक बार देख लीजिए। अब इस वाले को आप ऐसे कर लीजिए, ये देखिए हमारा बैक साइड से साथ साथ चलेगा ये थ्रेड बोल सकते हो, पट्टी बोल सकते हो। ये देखिए तीन हम ये आगे से ऐड करेंगे, उससे पहले फिर से हम अपना गैप ख़त्म करेंगे तो बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। ये देखिए दो का एक करना आप मत भूलिएगा, ये तो हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। दोबारा बनाएंगे इसको हम, ये देखिए ये हमने इस कलर के फंदे हमारे सारे हमने ले लिए हैं। ये देखिए राइट साइड से मैं इसमें दूसरी पट्टी लगाऊंगी और इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। पट्टी आप इसमें ऐसे ही लगाइएगा, ये मेरी छोटी छोटी रह गई, आप जब लगाओ तो थोड़ी सी आप इसको बड़ी रखिएगा, छोटी में भी लग जाएगा ज्वाइंट लेकिन आपको और आसानी होगी। थोड़ी सी जब बड़ी रह जाए तब आप इसमें ज्वाइंट लगाइएगा। ये देखिए एक ये हमारे ऊपर छोटा फ्लावर बन गया कंप्लीट और एक ये हमारा ये बन गया। देखिए अब फिर से हमारे ये फंदे आगे हैं, तो फ्रेंड्स मैं ये वाली पट्टी लगा लूँगी अपनी, ये वाली पट्टी से बनाऊँगी और तीन तीन फंदे इसमें ये ऐड कर लूँगी। लास्ट तक हम इस कली को ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए लास्ट के मेरे तीन फंदे बच गए हैं और दो लाइन मैंने ये बना ली हैं। तो लास्ट के भी फंदे हम इसमें इसी तरीके से मैं ये पूरा बनाती हुई नीचे तक जाऊंगी और इसको हम ऊपर कर लेंगे हर बार की तरह। तो ये रो मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। देखिए लास्ट तक आ गई। हर बार की तरह फ्रेंड्स हम एक फंदा उठाएंगे और इसका हम गैप ख़त्म करेंगे।
ये देखिए, अब ये फंदा भी हम बना लेंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। इस रो को मैं उतार के यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। सीधे साइड है ये हमारी और उल्टा उल्टा हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये पूरी एक बार की हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन में हमारी ये लाइन ज़्यादा बनेगी हर कली के बाद, क्योंकि जब हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे तो दो हमारी इसकी हैं और दो हमारी दूसरी कली की इसी तरीके से स्टार्ट होंगी। तो देखिए फिर से हमने अगली कली की स्टार्टिंग कर दी है। ये देखिए लास्ट में हम तीन फंदे फिर से छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज है, बाकी बनाने का तरीका सेम है। इसमें हम अपने फंदे बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताऊंगी। तीन फंदे फिर से छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ऐसे हमने लपेट लेंगे और एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। एक फंदा हमारा बढ़ गया है और पूरी रो में इसी तरीके से उतारूँगी और मैं ये तीन फंदे पीछे छोड़ के और इस साइड से इस रो को कंप्लीट करके आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए सीधी साइड से मैंने इस रो को उतार लिया है। अब हम आ गए हैं इस साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ऊपर नहीं लेके आई थी, तो मेरा ये इतना लंबा यहाँ पे थ्रेड पीछे आएगा, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप साथ के साथ इसको ऊपर लेके आइएगा। अब देखिए मैं इसमें अंदर फंदा बढ़ाऊँगी, बाहर बढ़ाऊँगी तो ये और ज़्यादा बाहर की साइड ये पट्टी लटकती दिखाई देगी आपको। ये देखिए एक बार हमने लपेट लिया, बना लिया, एक बार फिर पीछे से बना लिया। आप ऐसे भी इस तरीके से भी आप फंदा बढ़ा सकते हो, इसको आप ऐसे टाइट करिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो फंदे बढ़ा लिए फ्रेंड्स। मैं टोटल ऊपर तक, जब तक इस कली को हम हाफ बनाएंगे, मैं इसमें टोटल छः फंदे बढ़ाऊँगी और इसी तरीके से हम पीछे फंदे तीन तीन करके छोड़ते आएंगे। ये देखिए ये मैंने छोड़ दिए, अगली बार मैं ये छोड़ दूंगी। तो इसी तरीके से हम फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ मैं इसको बना लेती हूँ। हम यहाँ पे इसमें छः फंदे हम इसमें बढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। देखिए ये फंदे मैंने तीन तीन करके छोड़ दिए, छः फंदे हमारे ऊपर बढ़ गए हैं। अब हम और फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हम तीन फंदे फिर से छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये ऊपर भी हमारा एक छोटा सा फ्लावर बनेगा। अब देखिए इनको हम एक बार और बना लेंगे। जो हमारे ये नीचे भी चार चार रो हैं, ऊपर भी हमारे फ्लावर की ऐसे ही दिखाई देंगे। ये देखिए अब फ्रेंड्स, हम ये वापस अपने जैसे हमने नीचे लाइन मिलाई थी, इसी तरीके से हम ये बनाएंगे। ध्यान से देखिए, एक दो तीन, और तीन हम आगे से ले लेंगे। आपको गैप लगेगा तो आप ऐसे बीच में से ऐसे इसी कलर का फंदा उठाइए और हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब जो फ्रेंड्स हमने फंदे बढ़ाए थे, अब वो हम घटाना स्टार्ट करेंगे। जितने भी आप फंदे बढ़ाओ उतने ही फंदे आपने घटाने हैं। जिस तरीके से बढ़ाओगे उसी तरीके से आप उनको घटाइएगा। ये देखिए लाइन लाइन हम ऐसे ही मिलाएंगे जैसे हमने नीचे की लाइन से लाइन मिलाई थी। चार चार रो हमने बनाई हैं, लेकिन इसमें जो फंदे हमने बढ़ा रखे हैं उनको हम घटाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो का एक कर दिया, एक फंदा मेरा घट गया
पांच फंदे मेरे बच गए, उनको भी मैं इसी तरीके से घटा लूँगी। अब देखिए तीन फंदे हम आगे से फिर से इसमें ऐड करेंगे हर बार की तरह, और एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे गैप ख़त्म करने के लिए। ये देखिए एक हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया, चार रो नीचे थी, चार रो मैंने ऊपर बना ली। अब फिर से फ्रेंड्स हम अपना जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे फंदे हम घटा लेंगे, पांच फंदे मेरे और बच गए वो मैं यहाँ पे घटाऊँगी एक एक करके, और हम ये ऐसे ही लाइन से लाइन मिला लेंगे जैसे हमने ये नीचे वाला ये फ्लावर बनाया था। अब मैं ये कलर लगाऊँगी, आपको एक बार बना के दिखा दूँ मैं, और इसी तरीके से मैं इस गली को कंप्लीट करूँगी बिल्कुल सेम जैसे हमने नीचे बनाया था, लेकिन नीचे हमने फंदे नहीं बढ़ाए थे। एक कली में हम फंदे बढ़ाते हैं, एक कली में फंदे हम नहीं बढ़ाते हैं। अब जैसे इसके आगे कली बनाएंगे तो वो हम फर्स्ट वाली कली जैसी बनाएंगे, ऐसी कली बनाएंगे जो इसके अगली कली हम बनाएंगे। अब देखिए अब हम ये वाला कलर लगा लेंगे, अब हम इससे बनाएंगे। तो देखिए फिर से हम अपना फंदा घटा लेंगे, दो का एक करेंगे, दो फंदे हमने घटा लिए। अब इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, ये देखिएगा फिर से हम गैप ख़त्म करेंगे, फंदा उठाएंगे, दो का एक करेंगे, दो हम ये और बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपने इस गली को कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स जब भी हम फंदा उठाते हैं गैप ख़त्म करते हैं तो हमारा बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहता, देखिए बहुत ही सफाई के साथ ये बन के कम्प्लीट होगा। तो मैं इस गली को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए ये कली भी मेरी बन के कम्प्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने छः फंदे बढ़ाए थे, छः फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं, और ये देखिए हमारी बिल्कुल लाइन से लाइन हमारी ये मिल गई हैं। तो अब हम अगली कली की स्टार्टिंग करेंगे, तो बिल्कुल हम ये वाली कली बनाएंगे, इसमें हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल पीछे हम तीन तीन फंदे छोड़ेंगे, और एक कलर की हमने ये चार चार रो बनानी है कलर चेंज करते हुए। तो फ्रेंड्स आपने इसी तरीके से इसको बनाना है, कम्प्लीट करना है। एक हम कली सिंपल बनाएंगे यहाँ पर, उससे अगली कली फिर हम ये इस तरीके से बनाएंगे, फंदे बढ़ाएंगे और घटाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही बनानी है बिल्कुल ये कली बनानी है ये भी, तो बिल्कुल ये राउंड शेप में बनेगा, ये जो ये शेप आई है ये शेप इसकी नहीं आएगी। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस फाइनल लुक इसकी कैसी आई। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई करना, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।